आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धरती पर करीब 3000 से भी अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि एक बार काटने से ही इंसान की जान जा सकती है, जबकि कुछ इतने फ्रेंडली होते हैं कि लोग उन्हें पालतू बना लेते हैं। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे विशालकाय सांपों से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए शुरुआत एक फेमस सांप से करते हैं, किंग कोबरा। वैसे यह नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना। यह सांप न सिर्फ दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक है, बल्कि इसे सबसे जहरीले सांपों में भी गिना जाता है। भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाए जाने वाले ये सांप लगभग 13 फीट लंबे होते हैं। कुछ किंग कोबरा तो 18 से 20 फीट तक की लंबाई भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो चीज किंग कोबरा को सबसे खास बनाती है वह है इसका जहर। किंग कोबरा एक बार में करीब 7 मिलीलीटर जहर इंजेक्ट कर सकता है। ये जहर इतना घातक होता है कि अगर किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो महज 30 मिनट के भीतर उसकी मौत हो सकती है। यह सांप अपने शिकार को पहले अपने लंबे पतले शरीर से जकड़ता है और फिर एक ही वार में जहर छोड़ देता है। किंग कोबरा अपने घोंसले का भी निर्माण करता है, जो सांपों की दुनिया में एक अनोखी बात है। ये अपने अंडों की सुरक्षा खुद करते हैं और उनके आसपास रहने वाले किसी भी खतरे को आसानी से नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा किंग कोबरा की खासियत उसकी फुफकार है। जब यह सांप खतरा महसूस करता है तो वह सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी फन फैलाकर जोर से फुफकारता है, जिससे दुश्मन डर कर भाग जाता है। किंग कोबरा की यह फुफकार दूर तक सुनी जा सकती है और यह सावधानी का संकेत होती है कि इससे बचकर रहना चाहिए। अगला है किंग ब्राउन सांप, जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में 10वें स्थान पर आता है। यह सांप आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के घास वाले मैदानों, जंगलों और झाड़ियों में पाया जाता है। इसकी लंबाई करीब 11 फीट तक होती है और इसका वजन लगभग 6 किलोग्राम तक होता है। किंग ब्राउन न सिर्फ लंबा बल्कि बेहद खतरनाक भी होता है। अगर यह किसी इंसान को काट ले तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। इस सांप की सबसे खास बात इसके शरीर पर बने पीले और भूरे रंग के पैटर्न्स होते हैं, जो इसे छिपने में मदद करते हैं। जैसे ही कोई शिकार इसके करीब आता है, यह उसे तुरंत दबोच लेता है। अगला है ब्लैक मांबा सांप। दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से एक माने जाते हैं। इनकी लंबाई 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हो सकती है, लेकिन वजन केवल लगभग 2 किलोग्राम होता है। हल्के वजन की वजह से यह सांप 12.5 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम होता है, जो इसे बेहद फुर्तीला बनाता है। यह सांप मुख्य रूप से अफ्रीका के जंगलों और खुले इलाकों में पाया जाता है। ब्लैक मांबा का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर यह किसी इंसान को काट ले तो महज 40 मिनट के भीतर उसकी मौत हो सकती है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो इंसान के नर्वस सिस्टम पर तेजी से असर डालता है, जिससे सांस लेना बंद हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लैक मांबा के जहर का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। इसका जहर कुछ दवाओं में दर्द निवारक तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है, खासकर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में। हालांकि इसका जहर जानलेवा है, लेकिन नियंत्रित मात्रा में इसे वैज्ञानिक शोधों और चिकित्सा उपचारों में प्रयोग किया जाता है। ब्लैक मांबा के नाम में ब्लैक शब्द उनके शरीर के रंग की वजह से नहीं है, बल्कि उनके मुंह के अंदर का रंग काला होता है। अगला है ग्रीन एनाकोंडा। दुनिया के सबसे बड़े सांपों की बात करें तो ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे पहले आता है। जी हां, आपने सही सुना। ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई करीब 30 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 250 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। खास बात यह है कि फीमेल ग्रीन एनाकोंडा आकार और वजन में मेल से बड़ी होती है। ये सांप अपने विशालकाय शरीर और ताकत के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ग्रीन एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, लेकिन वे बेहद खतरनाक शिकारी होते हैं। वे अपने शिकार को अपने शक्तिशाली शरीर से कुंडली की तरह जकड़ लेते हैं, जिससे उसका दम घुट जाता है। इसके बाद वे शिकार को पूरा निगल जाते हैं। ब्राजील के जंगलों में पाए जाने वाले ये विशाल सांप आमतौर पर जंगली सुअर, हिरण और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रीन अनाकोंडा शिकार की तलाश में घूमते नहीं हैं, बल्कि एक जगह पर कुंडली मारकर इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई जानवर उनके करीब आता है, वे बिजली की तरह उस पर हमला कर देते हैं। ग्रीन अनाकोंडा की फुर्ती और ताकत उन्हें जंगल के सबसे कुशल शिकारी बनाती है। अगला है एमेथिस्टिन पाइथन, जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। आमतौर पर इसकी लंबाई 7 से 13 फीट के बीच होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह 27 फीट तक भी पहुंच सकता है। इसका वजन लगभग 14 किलोग्राम तक हो सकता है और फीमेल एमेथिस्टिन पाइथन आकार में मेल से बड़ी होती है। यह सांप इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमेथिस्टिन पाइथन बेहद कुशल तैराक होते हैं और जरूरत पड़ने पर ये पानी के रास्ते से लंबी दूरी तय करने में सक्षम होते हैं। यह सांप आमतौर पर घने जंगलों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और चट्टानी इलाकों में पाया जाता है, जहां यह अपने परिवेश के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता है। इसकी त्वचा का रंग अद्वितीय होता है, जो बैंगनी और हरे रंग की झलक दिखाता है। यह न सिर्फ जमीन पर बल्कि पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होता है और इसी कारण यह अपने शिकार पर ऊंचाई से भी हमला कर सकता है। अगला है बर्मीज पाइथन, जो आमतौर पर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। बर्मीज पाइथन की लंबाई लगभग 30 फीट तक पहुंच सकती है और इसका वजन करीब 90 किलो तक हो सकता है। इनका शरीर इतना मजबूत और शक्तिशाली होता है कि ये अपने शिकार को अपनी कुंडली में कसकर मार डालते हैं। बर्मीज पाइथन की शक्ति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि ये मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों को भी अपने में लपेट कर मौत के घाट उतार सकते हैं। बर्मीज पाइथन की स्वभाव की बात करें तो ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। ये ज्यादातर समय अकेले ही बिताते हैं और केवल प्रजनन काल के दौरान ही अपने साथी के साथ दिखाई देते हैं। इन विशाल सर्पों की उपस्थिति और उनके व्यवहार से ये साफ हो जाता है कि वे अपनी शक्ति और धैर्य का कुशलता से उपयोग करते हैं और यही उन्हें इस धरती के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक जीवों में से एक बनाता है। अगला है बोआ कंस्ट्रिक्टर, किंग कोबरा की तरह ही एक विशाल और प्रभावशाली सांप है। इसकी लंबाई लगभग 13 फीट तक हो सकती है, हालांकि इसका वजन किंग कोबरा की तुलना में अधिक होता है, जो करीब 27 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इस वजह से बोआ कंस्ट्रिक्टर किंग कोबरा से अधिक विशाल माना जाता है। यह सांप मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और हालांकि यह जहरीला नहीं होता, फिर भी बेहद खतरनाक होता है। इसकी खतरे की वजह यह है कि यह अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है और इतनी ताकत से दबाव डालता है कि शिकार दम घुटने से मर जाता है। इसके बाद यह सांप शिकार को पूरी तरह से निगल लेता है। बोआ कंस्ट्रिक्टर दिन के मुकाबले रात में अधिक सक्रिय रहता है। इसके जहरीले न होने के कारण कई लोग इसे पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद करते हैं। इसके विशाल आकार और खास तरीके से शिकार करने की क्षमता के चलते यह सांप जंगली जीवन के एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा है। अगला है अफ्रीकन रॉक पाइथन, जो अफ्रीका में पाया जाता है। दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक है। इनकी लंबाई लगभग 16 फीट तक हो सकती है। ये सांप अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़कर उसे बेरहमी से मार डालते हैं। बेरहमी इसलिए क्योंकि इनका गुस्सैल स्वभाव और विशाल शरीर इन्हें बेहद खतरनाक शिकारी बनाते हैं। अफ्रीकन रॉक पाइथन की गुस्सैल प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है कि वे किसी भी हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जब ये सांप भूखे होते हैं तो इनकी भूख की तीव्रता काफी खतरनाक होती है। अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ये खुद के अंगों को भी खाने से नहीं हिचकिचाते। इनके विशाल आकार और आक्रामक व्यवहार के कारण ये सांप अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति इन सांपों को बेहद खतरनाक बनाती है, क्योंकि वे न केवल अपने शिकार को जकड़ते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद को भी खा जाते हैं। इस प्रकार अफ्रीकन रॉक पाइथन का व्यवहार और उनकी शिकार करने की तकनीक उन्हें अन्य सांपों से अलग और अधिक खतरनाक बनाते हैं। अगला है इंडियन पाइथन, जिनकी लंबाई लगभग 20 फीट तक हो सकती है और वजन करीब 68 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के जंगलों में पाए जाते हैं।
इन सांपों का शरीर काफी विशाल होता है और उनकी शिकार की क्षमता भी बेहद प्रभावशाली है। हालांकि इनका स्वभाव आम तौर पर गुस्सैल होता है, वे आम तौर पर छोटे जानवरों और बोट्स को अपना शिकार बनाते हैं। जब ये पाइथन अपने शिकार पर निशाना लगाते हैं तो वे पल भर में उसे अपना निवाला बना लेते हैं। इंडियन पाइथन की शिकार की आदतें भी काफी कुशल होती हैं। वे अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करके बड़े जानवरों को भी मात दे सकते हैं। ये सांप अगर एक बार अपना टारगेट तय कर लेते हैं तो उसे पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि आमतौर पर इन सांपों का शिकार छोटा मोटा होता है, लेकिन कभी कभी वे इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसा होना सामान्य नहीं है, लेकिन उनकी विशालता और शक्ति के चलते ये हमला कर सकते हैं। इन पाइथन की शक्तिशाली और प्रभावशाली शिकार क्षमताओं के चलते इन्हें जंगलों में एक सम्मानित और खतरनाक शिकारियों के रूप में जाना जाता है। अगला है रेटिक्यूलेटेड पाइथन, जिसे आमतौर पर जालीदार अजगर कहा जाता है। अपने अनोखे स्किन पैटर्न की वजह से जाना जाता है, जिसमें भूरे, पीले और काले रंग की धारियों का मिश्रित पैटर्न होता है। यह सांप दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर बांग्लादेश और वियतनाम के वर्षा वनों और दलदली इलाकों में पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े सांपों में यह दूसरे स्थान पर आता है। इसकी लंबाई लगभग 29 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 270 किलोग्राम तक हो सकता है। खास बात यह है कि फीमेल रेटिक्यूलेटेड पाइथन मेल की तुलना में अधिक बड़ी होती है। अपने विशाल काय शरीर और भारी वजन के बावजूद यह सांप बेहतरीन शिकारी के रूप में जाना जाता है। इसकी गति और ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। यह बड़े जानवरों, यहां तक कि हिरण जैसे बड़े शिकार को भी कुछ ही पलों में अपना निवाला बना लेता है। जब यह शिकार पर हमला करता है तो शिकार का बचना लगभग असंभव हो जाता है। इस सांप की तेजी और भारी शरीर के बावजूद उसकी शिकारी क्षमता उसे बेहद खतरनाक बनाती है। अपने इस अनोखे फीचर की बदौलत यह सांप जंगलों और दलदली इलाकों में अपना दबदबा बनाए रखता है। इन्हीं सब जानकारियों के साथ अब वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा और आप किस लोकेशन से देख रहे हैं और अगले वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।